नमस्कार दोस्तों, राहुल गांधी ने आज जम्मू कश्मीर में नरेंद्र मोदी की कलाई खोल के राहुल गांधी ने आज वो सच बताया कि जिस कारण से इस देश में बेरोजगारी है, इस देश में महंगाई है और यह देश तमाम तरह के संकटों से जूझ रहा है। देश चंद लोगों के हाथों में खेल रहा है और आप दिन प्रतिदिन समस्याओं से घिरते जा रहे हैं। कभी टैक्स के जाल में घिर रहे हैं तो कभी सरकारी तंत्र में, कभी भ्रष्टाचार में तो कभी किसी और चीज। मैं राहुल गांधी की बात से ही शुरू करता हूं। राहुल गांधी ने कहा कि आज देश की स्थिति क्या है, देश की जो इंडस्ट्री है, उद्योग है, वो टैक्स की मार से जूझ रहे हैं। वो टैक्स क्या है? वो है अडानी टैक्स। वो अडानी टैक्स जो आप एयरपोर्ट पे जाएंगे तो अडानी टैक्स, पोर्ट पर जाएंगे तो अडानी टैक्स, सड़क पर चलेंगे तो अडानी टैक्स, अनाज की मंडी में जाएंगे तो अडानी टैक्स, सेना के हथियार खरीदे जाएंगे तो अडानी टैक्स, ड्रोन खरीदे जाएंगे तो अडानी टैक्स, और कारतूस आएंगी, दूसरी और चीजें आएंगी तो अडानी टैक्स। तो ये टैक्स, अडानी टैक्स, इन टैक्स से हो क्या रहा? ये टैक्स जा रहे हैं सीधे सीधे नरेंद्र मोदी के भ्रष्टाचार मॉडल, और इस मॉडल का नतीजा है कि इस देश का एमएसएमई उद्योग खत्म हो गया। जो मेक इन इंडिया कहते थे, उस मेक इन इंडिया का फ्रॉड भी पकड़ा जाता है, और जो होता है उसको भी जानना जरूरी है। हुआ क्या है? नरेंद्र मोदी सरकार ने देश का कैसे बंटाधार किया है इसको समझने की जरूरत। जो कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, मनमोहन सिंह की सरकार, उसमें जो ग्रोथ रेट था मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, वो करीब 8% था, 7.85%। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार में वो हो गया 3.1%, यानी 4% से अधिक, करीब करीब 5% कह सकते हैं। तो उतना जो है मैन्युफैक्चरिंग गिर गई है। जब मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी तो रोजगार घटेंगे, तमाम तरह से और संकट आएंगे, और वो सब संकट आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? जिस तरीके से आप इम्प्लाइज का नंबर ले लें, इम्प्लाइज की जो ग्रोथ हुआ करती थी वो हुआ करती थी 6.2% की दर से बढ़ रही थी, जो मैन्युफैक्चरिंग में इम्प्लाई की है फैक्ट्रीज में, और नरेंद्र मोदी के शासनकाल में वो 2.8% रही। यानी बेरोजगारी का कारण आपको बता दिया। अब जो हालात हैं जिस तरीके से, वो आप देखिए कि लगातार एम्प्लाइज कम हो रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग की स्थिति यह है, इंप्लॉयमेंट जो है लगातार गिर रहा है, और जो कांग्रेस शासन काल में इंप्लॉयमेंट था जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, वो 12.6% यानी 12.6% की ग्रोथ रेट थी वर्कर्स 2012-13 में। और स्थिति क्या होती है जब नरेंद्र मोदी के शासन काल में, लास्ट जो डिटेल अवेलेबल है गवर्नमेंट के डेटा में, उसके मुताबिक उसकी 11% भी नहीं रह गई, 10.9% हो गए। अब आप सोचिए इस दशा में ले आए। इसके बाद में जो शेयर था मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया में, जो जीडीपी का शेयर था, वो उस समय शेयर था 15.5%, और जो 15.5% था आज वो भी गिर के बिल्कुल गर्त में पहुंच गया है। इसी तरीके से जो बाकी और तमाम सारी चीजें हैं उनमें हुआ है, और इसमें जो सबसे बड़ी चीज एससी एसटी ओबीसी, इनके जो एम्प्लॉयमेंट की स्थिति थी वो बहुत बुरी तरीके से गिरी,
और एससी एसटी ओबीसी की जब हम बात करते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी रोज रोज यही कहते हैं कि कांग्रेस आरक्षण के खिलाफ थी, कांग्रेस आपको आरक्षण नहीं मिलने देती, ये तो अच्छा है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे तो आपको मिल गया, नहीं तो नहीं मिलता, कांग्रेस सदैव ये खिलाफ रही है। मैं वो भी बताता हूं, तो वह बता दूं कि सिर्फ इतने में एक साल की बात कर रहा हूं, जो 2022-23 में 1,30,000 पद नरेंद्र मोदी खा गए सिर्फ 2022 और 23 के बीच का जो फाइनेंशियल सेशन था, क्योंकि अभी जो बाकी है उसका आएगा डिटेल। तो आज यह अवेलेबल कि एक साल में 1,25,000 से अधिक पद एससी एसटी के नरेंद्र मोदी खा जाते, यह स्थिति। और ये सारे डेटा जो है गवर्नमेंट के हैं, और उसके आधार पर कह रहा हूं, ओवरऑल जो ग्रोथ थी कॉन्ट्रेक्चुअल इंप्लाइज की हिंदुस्तान में, जो संविदा की स्थिति है और उनको लेकर के था, तो नरेंद्र मोदी के शासन काल में संविदा पर नौकरियां 40% की दर पे आ गई, जो कांग्रेस के समय में सिर्फ 5% थी, बाकी पक्के एम्प्लाई होते थे। यानी कांग्रेस के समय में संविदा पे 5% होते थे और नरेंद्र मोदी के शासन काल में उनकी दर 40% के उससे बढ़ गई। अब आप समझ सकते हैं कि कुछ साल और रह गए तो ये सारी चीजें खत्म कर देंगे और आपकी जिंदगी को खतरे में डाल देंगे। तो यह नरेंद्र मोदी का मॉडल है, और जब यह मॉडल होता है तो निश्चित रूप से बात करना बनता है। इसीलिए राहुल गांधी कहते हैं ये असल में सरकार आपकी नहीं है, ये अडानी अंबानी की सरकार, और जो ये अडानी टैक्स है, ये टैक्स हिमाचल में चले जाइए तो वहां के सेब को खा गए हैं, इसी तरीके से यदि बात करेंगे जम्मू कश्मीर के सेब को खा गए हैं, तो जो आपकी कृषि उपज भी होगी, आपकी बागवानी होगी, उस पर भी इन्होंने कब्जा किया। तो वही बात राहुल गांधी समझाने की कोशिश करते हैं। बहरहाल राहुल गांधी करीब आज 300 प्रोफेशनल से मिले, जो फैक्ट्री चलाते हैं, कहीं कोई और बिजनेस करते हैं, कुछ करते हैं, और उनसे बात कर रहे हैं। और जब जम्मू कश्मीर में उनसे बात कर रहे थे तो पता चला कि किस तरीके से उनके साथ धोखा किया गया, और क्यों धोखा किया गया है, क्योंकि धंधे जमीन सब कुछ अडानी अंबानी जैसे लोगों को सौंपनी थी, इसलिए उन लोगों के कारोबार को बर्बाद कर। उन्हें पहले तो बोला कि आपको सब्सिडी मिलेगी, ये मिलेगा, वो मिलेगा, और बाद में कुछ नहीं मिला, तो राहुल गांधी ने उसका भी जिक्र किया। बहरहाल ये जब इस तरह की बात होती है कि कैसे क्या होता है कि जब राहुल गांधी 300 से ऊपर जो है अधिक बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट से, ओनर से, प्रोफेशनल से मिले, तो तमाम बातें समझ में आई और राहुल गांधी ने उसके मुताबिक सोचा। ये तो एक चीज। नरेंद्र मोदी, जैसा मैंने पहले बताया, झूठ बोलने में माहिर है, ये मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं, कहीं पर भी कुछ भी बोल देंगे। जैसे बोला मैं मुख्यमंत्री बना तो भारत में सबसे ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहा, जबकि मैंने कल ही बताया था आपको उनसे बहुत ज्यादा कई लोग रहे थे। इसके अलावा इसी तरीके से वो और भी झूठ बोला करते हैं, किसानों को लेके आज हरियाणा में झूठ बोल रहे थे कि किसानों के लिए हमने ये किया, किसानों की पूरी उपज को एमएसपी पर हमने खरीद करी, और न जाने क्या क्या उन्होंने गिनाया। साहब, किसान क्यों बैठा है धरने प्रदर्शन और मरने के लिए? क्योंकि आपने उसके लिए कुछ किया ही नहीं, असल में उसके साथ आपने धोखा किया। स्वामीनाथन आयोग के मुताबिक एमएसपी लागू करने की ही तो मांग है, सबसे बड़ी मांग वही, और किसान उसी बात को लेकर नाराज। तो लेकिन नरेंद्र मोदी की झूठ बोलने की आदत, अब जिनके विरोध करता था किसान
उन तीन काले कानूनों को जो कृषि कानून थे, कथित रूप से सुधार कानून थे मोदी के, उनका विरोध हुआ, जिनके चक्कर में 750 किसान मर गया और वो 11 महीने बैठा रहा दिल्ली के बॉर्डर पर, उसके पहले 2 महीना बैठा रहा पंजाब हरियाणा के इलाकों में, सब वही किसान के। आपकी सांसद कंगना रनौत, नरेंद्र मोदी की चहेती सांसद कंगना रनौत बयान देती है और जिस तरीके के बयान देती है निश्चित रूप से वो दुखद है। उनके बयान संकट पैदा कर, वो कहती है फिर से वही कानून लाए जाएंगे और सब कुछ किया जाएगा, तो ये सब कहती है। हालांकि आज उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इसके लिए माफी मांगती हूं, मेरे से गलती हो गई। तो आखिर सावरकर का परिवार है तो माफी वीर ये सब है, माफी मांगेंगे और फिर वही गुनाह करेंगे जो ये करते हैं, अपराध करेंगे, मुखबरी करेंगे और सारे काम करेंगे, तो इसलिए कोई वो नहीं। इसी तरह से उत्तर प्रदेश का एक इनका एमएलए है जो दिल्ली बॉर्डर पे ही है, वो साहिबाबाद से, वो नंद किशोर गुर्जर, वो कहता है कि मैं कंगना रनौत की बात का समर्थन करते हुए कहता हूं और बार बार कहता हूं कि वो कानून फिर से लागू होने चाहिए, उन्हें वापस नहीं लेना चाहिए, और इस तरीके से वो तमाम बातें कहता है। जब वो ये सारी बातें कहता है, भारतीय जनता पार्टी का कोई आधिकारिक बयान नहीं आता किस पर कहेंगे। नरेंद्र मोदी अपनी रैली संबोधित करते हैं और वहां पर ये नहीं कहते, इसका मतलब जो छन छन के खबरें आ रही है कि भाजपा ये प्रयोग कर रही है कि इस तरह से हम छोड़े सगुफे, उसका क्या असर होता है, उसकी क्रिया और प्रतिक्रिया देख के फिर आगे का एक्शन, यानी फिर से वो काले कानून लादने की साजिश नरेंद्र मोदी सरकार रच रही है। यही वजह है कि मनोहर लाल खट्टर ने यह कह दिया, ऑफिशियली कह दिया, जो मंत्री भी है नरेंद्र मोदी के, पूर्व मुख्यमंत्री है हरियाणा, कि जो बॉर्डर पे किसान बैठे हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, 65 किसान जो वहां मर चुके हैं, उनको कहा ये किसान नहीं है, किसान के भेष में ये भेड़िए हैं। अब आप समझिए, क्या ये किसान का मुखौटा ओढ़े हुए कोई और है? इससे समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस कितना नफरत करते हैं उस वर्ग से, उस किसान से। बहरहाल यह हुआ। इसके बाद में वही मनोहर लाल खट्टर टीवी के कार्यक्रम में कहता है कि ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो है झूठे आरोप लगाए गए। साहब, दिल्ली पुलिस ने ही चार्जशीट की थी, दिल्ली पुलिस ने ही इसकी इंक्वायरी की, जांच की, फिर यह कैसे कहा जा सकता है कि ये फर्जी है? इसका मतलब है आप जानबूझ के यह ड्रामा कर रहे हो और उसे जो लड़की है, जो विक्टिम्स है, उन्हें आप डराने की कोशिश कर रहे हैं। यह आपकी साजिश। बहरहाल साजिशें चलती रहेंगी, होती रहेंगी, इनसे आप कुछ नहीं कर सकते। नरेंद्र मोदी का मानसिक संतुलन खो गया है, इससे भी हम इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास कुछ अपना बताने को नहीं। आज इतने सालों बाद में सत्ता संभालने के बाद भी वो अपनी बात की शुरुआत वहीं से करते हैं कि कांग्रेस का शाही परिवार सबसे भ्रष्ट परिवार है, और जब हाई कमान ही भ्रष्ट होता है तो पूरी पार्टी का खुला लाइसेंस मिल जाता है। जहां सोनीपत में यह भाषण दे रहे थे, वहीं के एमएलए सुरेंद्र पवार को नरेंद्र मोदी की ईडी ने गिरफ्तार किया, भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था 25 करोड़, और हाई कोर्ट ने क्या कहा कि यह गिरफ्तारी अवैध है, कार्रवाई अवैध है, और यही कहते हुए सुरेंद्र पवार को छोड़ दिया। पिछले 10 साल से हरियाणा में भी और दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी की एनडीए की सरकार है और बड़ी बड़ी बातें करते हैं,
कि हम यहां तीर मार देंगे वहां मार देंगे। यदि यह शाही परिवार दोषी था, इसके पास कोई गलती थी, कहीं एक रुपए की गड़बड़ थी, तो क्यों नहीं गिरफ्तार किया, क्यों नहीं चार्जशीट की, क्यों नहीं कुछ किया, किसी और को करना था। इसका मतलब है आप झूठ बोलते हैं और असली भ्रष्टाचारी आप हैं, क्योंकि आपके भ्रष्टाचार की कहानी चारों तरफ सबको पता है, घर घर में बच्चे बच्चे को पता है कि कैसे आपने अडानी अंबानी के नौकर की तरह काम किया है, उसके एजेंट की तरह काम किया है। तो यह समझ लीजिए, उन्होंने नहीं लूटा, 10 साल में आपने कितना लूटा है, इसका उदाहरण है कि कांग्रेस का कार्यालय आज भी तमाम जगह बिल्कुल साधारण से होंगे, मरणासन्न होंगे, छोटे से होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यालय ऐसा नहीं है जो 5 स्टार स्तर का ना हो। और हर कार्यालय की स्थिति यह है कि जिस भारतीय जनता पार्टी के चंद कार्यालय हुआ करते थे, आज 750 जिलों में देश के उनके कार्यालय बन चुके हैं, 5 स्टार बन चुके हैं, और आपका राष्ट्रीय कार्यालय 7 स्टार। तो यह भी सामने आ गया। चलिए, अब आप कहते हैं कि कांग्रेस ने किसानों को लूटा, तो कांग्रेस ने तो किसानों को नहीं लूटा, किसानों को आपने लूटा, उनपे गोलियां चलवाई, उनपे लाठियां चलवाई, उनकी राहों में कीले बिछवाई और न जाने क्या क्या किया। इतने किसान मरे हैं जो रिकॉर्ड है, या तो अंग्रेजों ने मारे थे या आपने मारे, यह भी सब। और किसानों की लड़ाई अब से 105 साल पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अमेठी, रायबरेली, प्रतापगढ़ की इस पूरे इलाके में लड़ाई का नेतृत्व किया, और तब वो किसानों के लिए लड़े थे। तो अब आप सोचिए, अंग्रेजों से लड़े थे, नील की खेती करने वाले किसानों के लिए बिहार में लड़ाई लड़ी गई थी, हर जगह कांग्रेस ने ही लड़ी। अब आता हूं जो आपने आरक्षण की बात की। आरक्षण देश में जब पहली बार सरकार बनी 1935 में, जो एक्ट पास हुआ जिसके तहत 37 में बनी, और कांग्रेस ने जब उसे लीड किया, तो उस समय से ही आरक्षण करने की व्यवस्था की गई। तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं थे। उसके बाद में जब 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डॉक्टर अंबेडकर को कहा कि आप हमारे साथ आइए, और फिर जब संविधान सभा बनी, डॉक्टर अंबेडकर उसके लिए सदस्य नहीं थे, तो अपने एक सदस्य का इस्तीफा दिला के वहां से वो अंदर लाए और संविधान सभा में जिम्मेदारी सौंपी। जिसके बाद में उसके पहले जब संविधान सभा के सदस्य नहीं थे डॉक्टर अंबेडकर, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, वंचितों को विशेष संरक्षण दिए जाने की व्यवस्था संविधान में होनी चाहिए। यानी उनके लिए पहले ही उन्होंने कह दिया। चलिए, डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान बनाया। यदि पंडित नेहरू नहीं चाहते तो क्या वह क्लॉज हो सकते थे? नहीं हो सकते थे, क्योंकि आप भी प्रधानमंत्री, आपको पता होना चाहिए कि मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है, और यदि प्रधानमंत्री कोई चीज नकार दे तो वह पास नहीं हो सकती। तो इसका मतलब है कि पंडित नेहरू चाहते थे तभी यह सब कुछ हुआ। यानी आपके हर झूठ पकड़े जाते हैं, आप झूठ बोलते हो। जब महिला सम्मान की बात बोलते हो तो शुरुआत कर देते, महिला सम्मान आपने भी तोड़ा था, जिसका एफिडेविट आज भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है कि आपने उस महिला के साथ क्या क्या किया। बहरहाल उस पर आज बात नहीं करूंगा, बात करूंगा आपके गुजरात मॉडल की, जहां पर स्कूलों के अंदर छोटी छोटी लड़कियों का यौन शोषण किया जा रहा है, और यौन शोषक कोई और नहीं, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, उनके लोग। और यही वजह है कि पिछले चंद दिनों में 1 दर्जन स्कूलों में इस तरह की घटनाएं हुई। इसके पहले महाराष्ट्र में बदलापुर में
इसी तरह एक घटना हुई, मुख्य अभियुक्त आज तक नहीं पकड़ा गया और जो सहयोगी पकड़ा गया था, जो सबूत दे सकता था, उसको आपने फर्जी इनकाउंटर में मार दिया। इसी तरीके से तमाम बलात्कारी जहां जहां पकड़े जा रहे हैं आप ही के लोग हैं। तो इसका मतलब है महिला भी सुरक्षित आपसे है, वो शिक्षा क्या ग्रहण करेगी जब स्कूलों में ही ये सब हो रहा है। तो इसीलिए राहुल गांधी कहते हैं कि आपने सब कुछ करप्ट कर दिया है और करप्शन मॉडल ही गुजरात मॉडल है, जो अडानी मॉडल। जय।